हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप भी यूट्यूब पर काम करते हैं, मतलब कि दोस्तों आप भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि दोस्तों आपका वीडियो जल्दी वायरल होगा। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही दोस्तों आपका वो वीडियो वायरल हो जाएगा। और दोस्तों, ये ट्रिक मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये YT स्टूडियो खुद बताने वाला है आपको। मतलब कि दोस्तों, YT स्टूडियो का नया अपडेट आया, उसमें दोस्तों आपको बता देगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा अपलोड करना है। और दोस्तों, वो वीडियो अपलोड करते ही दोस्तों आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं YT स्टूडियो को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ वो अपडेट कौन सा है, और दोस्तों कौन सा आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करना है, और दोस्तों कौन सा आपका वीडियो वायरल होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं YT स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। YT स्टूडियो को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा YT स्टूडियो ओपन हो चुका है। अभी दोस्तों सिंपली हमें एनालिटिक पर चले जाना है। एनालिटिक पर चले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा साइड में इंस्पिरेशन का। तो दोस्तों सिंपली हमें इस पर चले जाना है। इस पर चले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्निंग फ्रॉम YouTube, यानी कि दोस्तों मैं अर्निंग के वीडियो अपलोड करता हूँ YouTube के रिलेटेड। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर वैसे ही वीडियो आ चुके हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेरे आ चुका है, जो कि दोस्तों अभी यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। YT स्टूडियो मुझे खुद बताता है आप नेक्स्ट वीडियो ऐसे अपलोड करो आपका वीडियो वायरल होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने खुद देख लिया, मुझे YT स्टूडियो खुद बताता है आपको नेक्स्ट वीडियो ये अपलोड करना है, तब जाके दोस्तों आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। और दोस्तों आपके भी YT स्टूडियो में नया अपडेट आ चुका है। अगर दोस्तों आपके नहीं आया है तो दोस्तों आप प्ले स्टोर में जाके YT स्टूडियो को अपडेट कर लीजिएगा, तब जाके दोस्तों आपका भी ये ऑप्शन आ जाएगा इंस्पिरेशन का। और दोस्तों आपके भी वहां पर कंटेंट बता देगा कि आप ये कंटेंट अपलोड करो नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों आपका नेक्स्ट वीडियो जल्दी वायरल होगा। और दोस्तों यहां पर हमें खुद बताते हैं YT स्टूडियो की आपको कौन से टैग डालने हैं, कौन सा हैशटैग लगाना है। मतलब कि दोस्तों हर चीज अब YT स्टूडियो बताता है हमें कि ये चीज आप करो, आपका नेक्स्ट वीडियो जल्दी वायरल होगा। और दोस्तों पहले तो हम क्या करते थे, कोई भी कंटेंट अपने मन से बना लेते थे। मतलब कि दोस्तों क्या होता है, मान लो कि वो कंटेंट हमें तो पसंद आ गया, जो चीज दोस्तों हम अपने मन से बनाते हैं ना वो चीज दोस्तों हमें तो पसंद आ जाती है, बट दोस्तों ऑडियंस को आनी जरूरी है। मतलब कि दोस्तों मान लो कि ये दोस्तों वीडियो मुझे पसंद आ गया, अगर आपको नहीं पसंद आया तो दोस्तों आप इस वीडियो को नहीं देखोगे। तो दोस्तों मेन पॉइंट क्या होना चाहिए कि ऑडियंस को हर चीज पसंद आनी चाहिए, वो दोस्तों आप वीडियो अपलोड करेंगे ना, तब जाके दोस्तों आपका वीडियो वायरल होगा। मतलब कि दोस्तों हर चीज आपको मन से नहीं बनानी। आप तो दोस्तों YT स्टूडियो का नया अपडेट में ये भी आ चुका है कौन सा वीडियो अपलोड करना है, कौन सा टाइटल लगाना है, कौन सा टैग लगाना, हर चीज दोस्तों अब YT स्टूडियो आपको बताता है। तो दोस्तों अब आप इस रिलेटेड ही काम करना। मतलब कि दोस्तों आपको कोई कॉन्टेंट है ना मन से नहीं बनाना है। मतलब कि दोस्तों हर चीज आपको अब फेंक से तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है, यूट्यूब ग्रो नहीं होगा, और दोस्तों इससे आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा, और सब्सक्राइबर व्यूज वगैरह सब कुछ बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था नया अपडेट, और दोस्तों ये थी अच्छी सी जानकारी, इससे दोस्तों आपका वीडियो वायरल होगा, वीडियो ग्रो होगा, और दोस्तों आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा। तो दोस्तों अब आपको मन से कंटेंट नहीं बनाना है, और दोस्तों आपको इससे रिलेटेड ही वीडियो बनाना है। जैसे कि दोस्तों मुझे बता दिया कि नेक्स्ट वीडियो आप अर्निंग का अपलोड करो, आपका वीडियो वायरल होगा। तो सिंपली दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका भी अपडेट आया है, और दोस्तों आपको भी ऐसे बता देगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा अपलोड करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।